प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परवल आलू की सब्जी बनाना बताएंगे, वो भी बिना टमाटर के, रसेदार बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो सामग्री में हमने हरे ताजे परवल ले लिया है, आलू का छिलका उतार के इस तरीके काट लिए हैं, थोड़ा हरा धनिया ले लिए हैं, 3 बड़ी साइज प्याज बारीक काट लिए हैं, थोड़ा अदरक ले लिए हैं, 10-12 कले लहसुन ले लिए हैं, 3 हरा मिर्च ले लिए हैं जिसे लंबे पीस में काट लिया है, मसालों में 1 छोटा चम्मच जीरा ले लिए हैं, 8-10 दाने काली गोल मिर्च ले लिए हैं, थोड़ा जायफल ले लिए हैं, 2 छोटी इलायची, आधी बड़ी इलायची, थोड़ा जावित्री ले लिए हैं, स्टार फूल का 1 कली हमने ले लिया है, थोड़ा छड़ीला ले लिए हैं, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, थोड़ा तेज पत्ता ले लिए हैं, थोड़ा दालचीनी ले लिए हैं, 3 लौंग ले लिए हैं। तो स्टार फूल की कली को हम ओखली में कूट लेते हैं, छोटी इलायची बड़ी इलायची को भी थोड़ा कूट लेते हैं, 1/4 चम्मच मेथी के दाने डाल लेते हैं मसालों में। इतना मसाला से हम तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले हम परवल का छिलका उतार लेते हैं, दोनों किनारों का हिस्सा काटेंगे और इसे हम इस तरीके छिलका उतार लेते हैं, पतला छिलका उतारना है, मोटा छिलका नहीं उतारना है, इस तरीके। तो इसी तरीके सभी परवल का छिलका उतार कर तैयार कर लेते हैं। तो सभी परवल का छिलका हमने उतार कर तैयार कर लिया है, अब इसे हम पानी में अच्छी तरीके धुल लेते हैं। तो परवल को अच्छी तरीके रगड़ कर बढ़िया से धुल लिया है, अब इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं अब हम परवल को लंबे पीस में काट लेते हैं। तो इस तरीके हम परवल काट कर तैयार कर लेंगे। इससे पहले हमने परवल की भुंजिया की सब्जी बनाई है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। और आज हम मसालेदार रसेदार सब्जी बनाएंगे। तो सभी परवल को हमने लंबे पीस में काट लिया है इस तरीके। तो हम मिक्सी जार में लहसुन अदरक पीस लेते हैं, मिर्च नहीं पीसेंगे, ये हमने अदरक लहसुन ले लिया, प्याज बाद में पीसेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई अच्छी तरीके गर्म हो चुकी है, 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल डाल दिए, तेल अच्छी तरीके गर्म हो चुका है, अब इसे हम चारों तरफ फैला देते हैं। अब हम परवल डाल देते हैं, गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे और परवल अच्छी तरीके भून लेते हैं। अब हम आलू डाल देते हैं, परवल आलू को दोनों को अच्छी तरीके भूनना है, अच्छी तरीके फ्राई करना है, प्याज हमने अलग पीस लिया, अदरक लहसुन पीस लिया है, मिर्च नहीं पीसे हैं। परवल आलू को हमें इतना भूनना है कि जब तक इसमें का कलर चेंज ना हो जाए, अच्छी तरीके भूनना जाए। परवल आलू अच्छी तरीके भून गया है, ये देखिए कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने फ्राई किया हुआ परवल आलू निकाल लिया है, अब हम वही कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, तेल अच्छी तरीके गर्म है, अब हम मसाले डाल देते हैं, मसालों को चटकने देते हैं। मसाले बढ़िया तरीके से चटक चुके हैं, अब हम पीसी हुई प्याज डाल देते हैं, प्याज को अच्छी तरीके भून लेते हैं। पीसी हुई प्याज को हमने अच्छी तरीके भून लिया है, अब हम 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, ये तीखी नहीं होती, इससे सब्जी का कलर बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट भी बढ़िया रहता है। अब हम पिसा हुआ अदरक लहसुन हरा मिर्च डाल देंगे, इसे भी थोड़ा भून लेते हैं।
अब हम एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम कुछ पीसे हुए मसाले डाल देते हैं, जैसे एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल तीखी मिर्च है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच सब्जी मसाला। गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि मसाले जले ना। थोड़ा पानी डाल देते हैं, थोड़ा पानी और डाल देंगे और इन मसालों को अच्छी तरीके भून लेते हैं मीडियम हाई फ्लेम में। अब हम मसालों को इतना भूनेंगे कि मसाला जब तक तेल ना छोड़ने लगे और मसाला बढ़िया से खुशबू ना देने लगे, तब तक हमें मसाला भूनना है। मसालों में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और मसाला तेल भी छोड़ दिया है। मसाला अच्छी तरीके भूनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। ये देखिए ऊपर ऊपर ऑयल दिख रहा है। अब हम पानी डाल देते हैं। पानी हम ज्यादा ही डालेंगे इसलिए कि परवल आलू की सब्जी रसेदार बनाएंगे। ये हमने अच्छी तरीके मिला दिया है। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब हम उबाल आने देते हैं, फिर हम फ्राई किया हुआ आलू परवल डालेंगे। उबाल आने लगा है, ये देखिए। गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे। अब हम फ्राई किया हुआ आलू परवल डाल देते हैं। अब हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। सब्जी में कई गुना स्वाद बढ़ाने के लिए एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं। इसे अच्छी तरीके मिलाएंगे। अब हम 2 मिनट के लिए और ढक्कन लगा देते हैं। 2 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए ऊपर ऊपर ऑयल दिख रहा है। सब्जी हमारी पक के तैयार हो गई है। थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आलू परवल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके रसेदार सब्जी जरूर से जरूर बनाइए, खाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इस तरीके आलू परवल की रसेदार सब्जी बनाएंगे तो बच्चे से बूढ़े तक मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है यह सब्जी। तो यह सब्जी ज़्यादा तक चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस सब्जी को पूरी पराठा चावल रोटी के साथ खाइए, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो उसके साथ खाइए। तो अब हम 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। 1 मिनट बाद सर्व करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, तो आइए अब सर्व करते हैं। थाली में हमने चावल ले लिया है। अब हम रसे वाली सब्जी ले लेते हैं। ये हमने आलू परवल की रसेदार सब्जी ले लिया। तो आज की परवल आलू की रसेदार सब्जी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। तो हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। ये देखिए यह सब्जी जितना दिखने में अच्छी दिख रही है उससे कई गुना खाने में टेस्टी बनी है। और हमने साथ में ये रोटी रख लिया है। तो सबसे पहले हम बाबा जी को खाना दे देते हैं। तो हमारी शिवांशी बेटी बाबा जी को खाना दे रही हैं। बाबा जी खाइए और हमारे प्रिय दर्शकों को बताइए कि कैसे बनी है यह सब्जी। अच्छी सब्जी बनी है। होटल का फेयर करिए, मजा आ गई, मजा आ गई। बड़ी अच्छी सब्जी बनी है। होटल फेयर कर दी।
तबीयत खुश रहेगा, होटल का फेल कर दी सब्जी, इतनी अच्छी बनी रही, तबीयत खुश रहेगी। तो हम इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।